स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों की बॉलीवुड सितारों ने मदद की है। इसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान और कैलाश खेर जैसे बड़े सितारों ने करोड़ों रुपए दान में दे दिए हैं। वहीं शाहरुख खान को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद हर देशवासी हैरान रह गया। खबर थी कि शाहरुख खान ने पाकिस्तान के गैस ट्रेजेडी पीड़ितों को 45 करोड़ रुपए का दान दिया है। इस खबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये न्यूज पूरी तरह से फेक है। खबरों की माने तो शाहरुख खान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये खबर वायरल होते ही शाहरुख खान के फैंस उनके बचाव में आ गए। उन्होंने जोरदार तरीके से उन लोगों की आलोचना की जो शाहरुख के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। फैंस ने बताया कि SRK ने भारत को सिर्फ और सिर्फ गौरवान्वित किया है। उन्होंने स्टॉप फेक न्यूज अगेंस्ट SRK नाम से हैशटैग शुरू किया है। इस मामले पर शाहिद, सिटी लाइट्स जैसी फिल्में बना चुके फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी शाहरुख खान का सपोर्ट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शाहरुख का बचाव किया है। उन्होंने भी फैंस से गलत न्यूज ना फैलाने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब शाहरुख खान ऐसी खबरों को लेकर चर्चा में आए हो या उनकी देशभक्ति पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई बार अलग अलग लोगों, संगठनों, नेताओं ने उनके धर्म और देश के प्रति उनके प्यार पर सवाल उठाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।